Activity 6.6. Observe a fish in an aquarium. They often open and close their mouths and the gill slits or the operculum which covers the gill slits behind their eyes also open and close. Are the timings of the opening and closing of the mouth and gill slits coordinated in some manner? Yes. जो फिश होती है अगर आप एक्वेरियम में देखेंगे तो आप बहुत बार देखेंगे कि वो जो है अपना माउथ जो है बार बार खोलती है और बंद करती है, और जैसे वो खोलती है और जब माउथ बंद करती है तो उसकी गिल स्लिट्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, जो उसकी आईज के पीछे रहती हैं अपर कोलम जिसको कह रहे हैं वो गिल स्लिट्स खुल जाती हैं। तो ये दोनों चीज़ें, उसका मुंह खुलना और ये अपर कोलम का खुलना, ये जो है कोऑर्डिनेटेड होता है। क्या होता है कि जैसे कि हमारा एयर है, ठीक है, एयर में ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है 21%, लेकिन जो पानी होता है उसमें इतना ज़्यादा परसेंटेज में ऑक्सीजन नहीं डिसॉल्व होती है, होती है डिसॉल्व लेकिन कम होती है। तो फिशेस भी तो ऑक्सीजन ही लेती हैं, लेकिन उनकी ऑक्सीजन वो एयर से नहीं ले सकती हैं, उनको वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन ही लेना होता है, उनकी बॉडी इसी चीज़ के लिए बनी है। तो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन की परसेंटेज कम है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जितना एयर में है उससे कम है। तो इसीलिए जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादा नंबर ऑफ़ टाइम्स जो है हमसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ टाइम्स ब्रीथ करते हैं, जैसे हम एक मिनट में 30 से 40 बार ब्रीथ करते हैं, वो जो है इससे भी कई ज़्यादा 70 से 80 बार या 100 बार भी ब्रीथ करते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है ले सकें अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। तो काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द फिश ओपन्स एंड क्लोजेस इट्स माउथ इन अ मिनट। कंपेयर दिस टू द नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड आउट इन अ मिनट। तो हमने देखा कि हमसे कई गुना ज़्यादा जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स जो है हमसे ज़्यादा वो ब्रीथ करती है। क्यों? क्योंकि वो मुंह से पानी लेती है और फिर मुंह को बंद कर लेती है और उस पानी को अपने गिल स्लिट्स के ऊपर से गुजारती है। जो फिश की गिल स्लिट्स होती हैं उनके पास ही वो एपरेटस होता है, इस तरह का मैकेनिज्म होता है कि जब पानी गिल स्लिट्स के ऊपर से गुजरता है तो फिश जो है उस वाटर में से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेती है, अपनी बॉडी में अब्जॉर्व कर लेती है और वो ब्लड के सर्कुलेशन में ऑक्सीजन आके उसकी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ के लिए फिश को अवेलेबल हो जाता है। तो इसीलिए फिश जो है माउथ से पानी भर के उसको अपने गिल स्लिट्स के ऊपर फोर्स करती है, गिराती है और वहाँ से ऑक्सीजन डिराइव करती है।